स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनीता मैथमेटिक्स क्लासेस। माय नेम इज़ अनीता यादव। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरलीकरण, मतलब सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर पढ़ेंगे हम, और इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये हम इसमें बोर्ड मार्क्स का रूल यूज करते हुए किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए 18 माइनस 2 इंटू। तो देखिए बोर्ड मास का रूल सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास का रूल क्या होता है, यहाँ पे ये होता है ब्रैकेट, ठीक है, इसका मतलब है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मींस हमें पता है, देखो ये जो होता है ये बड़ा ब्रैकेट होता है, मींस बिग ब्रैकेट, इसे बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है हमारा ऐसे कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, इसको बोलते हैं जो बीच में होता है, ठीक है। फिर ये हमारा सबसे छोटा होता है, दिस इज़, ये हमारा छोटा ब्रैकेट होता है, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट होता है। कर्ली ब्रैकेट मतलब बीच में जो मध्य जो कोष्टक है वो हमारा है ये। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी से हमारा डिवीजन है, भाग देना मतलब, और एम से हमारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करना, ए से हमारा एडिशन है मतलब योग करना, और एस से हमारा सब्ट्रैक्शन है मतलब घटाना, ठीक है। ये हमारी टर्म्स है, इसके थ्रू देखो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 18, दिस इज़ माय फर्स्ट क्वेश्चन, 18 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए बोर्ड मास के रूल में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 हो जाएगा 18 माइनस प्लस 4, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8 प्लस का 4 विच इज इक्वल्स टू 12, ये हो जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 12 इंटू 5 माइनस, सॉरी 12 माइनस है, 12 माइनस, ये हमारे पास है 12 माइनस ब्रैकेट में ये हो जाएगा प्लस 2। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो होता है ना उसे सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 और बाहर माइनस का साइन है तो माइनस 2, 12 प्लस 2, ये देखो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को जीरो बना देते हैं ये, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दीजिए, क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर अच्छे से हो जाएगा। फिर देखिए, फिर ये क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है 15 माइनस 15 माइनस 6 डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 3। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 15 माइनस 3 टू जा 6, ये हो जाएगा हमारे पास। फिर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 15 माइनस 15 माइनस 2, दैट मींस हमारे पास आ जाएगा 13, और 13 माइनस 15 माइनस 13 इक्वल्स टू 2, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज 12 माइनस 3 इंटू 5 एंड देन जो है डिवाइड बाय 3। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 15 हमारे पास, ठीक है, और देन डिवाइड करना है हमें किससे, 3 से, ठीक है, 3 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3, 5 जा 15, और ये आ जाएगा 7 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए आगे का क्वेश्चन है हमारे पास 8 इंटू 5 माइनस, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 8 इंटू 5 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 7 था, दिस इज 28 डिवाइडेड बाय 7, क्लियर है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8, 5 जब 40 होता है तो ये हो जाएगा हमारे पास 36, ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। इसी तरीके से देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज 17, ये देखिए यहीं सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास है क्वेश्चन 17 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 6 और ये हो जाएगा 17। तो सबसे पहले ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, विच जाएगा हमारे पास 2 3 32,
माइनस सिक्स विच इज इक्वल्स टू 26, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोष्टक का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए गणितीय व्यंजक लिखिए। तो देखिए, गणितीय व्यंजक लिखते हैं, दो और चार के योग से तीन गुणा, दो और चार के योग से तीन गुणा, तो ये हो जाएगा तीन गुणा। फिर इसी तरीके से सेकंड है हमारे पास, पंद्रह और तीन का अंतर लेंगे, को छः से भाग देना है, मतलब भाग देंगे छः से। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड जो है वो हो जाएगा बारह को एक और तीन के योग से भाग देने पर, बारह को भाग दे रहे हैं हम किससे, एक और तीन का योग करके। इसी तरीके से चौथा है हमारे पास, आठ और दो के योग में, आठ प्लस दो के योग में छः में से छः घटाने पर, तो ये इसका योग हो गया माइनस सिक्स, तो ये हमें बनाना था। देखिए, ये थे हमारे पास क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऐसे और भी मज़ेदार वीडियोस देख सकें। थैंक यू सो मच।